देखिए आएगी तो बीजेपी, क्योंकि केजरीवाल सिवाय झूठे वादे झूठे नक्शे दिखाने के अलावा कुछ नहीं करता। एक स्कूल को चार स्कूल दिखा देता है। 45-47 हज़ार रुपया मौलवी को दिया ना, हमारे पास किसी भी ग्रंथी और उसको नहीं दिया पुजारी को। वो सबसे बड़ा मुद्दा लेके हम चल रहे हैं कि हमारे पुजारी और हमारे ग्रंथी सदारी उनको भी ये पैसा मिलना चाहिए। आप अगर मौलवी को जो देते हैं मैम, उन्होंने कहा ही है बस कि वो जॉब देंगे। उन्होंने जॉब क्रिएट करने के लिए क्या किया है? उन्होंने वैसा कुछ करा ही नहीं है। आप नेशनल लेवल पे देखिए, नेशनल लेवल पे बीजेपी ने जॉब्स क्रिएट ज़रूर करी है। एंड मैम, जो मेन चक्कर है कि केजरीवाल जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। वो बताते हैं कि हमने ये किया, हमने कॉलेजेस बना दिए हैं, ये बना दिए हैं। आज तक कोई कॉलेज उन्होंने दिल्ली में आज तक कोई भी एक मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। वो कहते रहे कि हम ये करेंगे। बीजेपी ने तो ऐसा है, जो बच्चे मेडिकल में भी जो आते हैं गरीब हैं, बट वो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, उनके लिए बीजेपी ने हिंदी में निकाल दिया सारा सिलेबस। नहीं, बीजेपी ने 15 सालों में किया है, क्यों नहीं किया है? आप देख रहे देश के इतने बड़े बड़े फैसले, 370 से लेके आप GST स्लैब से लेके एक एक फैसला आप देखिए। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेके जो आने वाला है, तो उनके फैसले काफ़ी मजबूत रहे हैं देश के लिए। देंगे वो वोट देंगे, हमें ना पैसा चाहिए ना हमें वोट देना। बीजेपी का स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। MCD चुनावों को महज कुछ ही दिनों का समय रह गया है और आज फिर एक बार दिल्ली की जनता से जानेंगे कि आखिरकार दिल्ली की जनता MCD में किसे चाहती है। क्या वो एक बार फिर से बीजेपी को मौका देगी या फिर अरविंद केजरीवाल पार्टी सरकार को, जो दिल्ली में खुद राज्य सरकार में है। और यही अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो गुजरात में 30,000 रुपये प्रति परिवार देने की बात कर रही है। चलिए यहाँ एक सर जी खड़े, सर क्या नाम है आपका? प्रमोद मित्तल। सर ये बताइए, इस बार दिल्ली की जनता का क्या मूड है? MCD में कौन आ रहा है? देखिए आएगी तो बीजेपी, क्योंकि केजरीवाल सिवाय झूठे वादे झूठे नक्शे दिखाने के अलावा कुछ नहीं करता। एक स्कूल को चार स्कूल दिखा देता है, जैसे कि हम लोग न्यूज में पढ़ रहे हैं। तो इसी हिसाब से लोग अब समझ चुकी है दिल्ली की जनता कि ये जो झूठे वादे और झूठे वो दिखाने कि मैंने ये कर दिया मैंने वो, दिल्ली में उनका काम है शराब के ठेके खुलवाने। ये हमारे प्रधान जी आ गए इधर से, अब आप इनसे ही बात कर सकती हैं। सर आप मुझे ये बताइए, मैं सर से भी बात कर लूँगी, पर अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है वो विधानसभा में 30,000 रुपये प्रति परिवार को फ़ायदा कराने की बात कह रही है। दिल्ली की जनता के लिए क्यों नहीं सोचा उन्होंने इतना कभी? बस यही है ना, जहाँ जाते हैं वो वायदे ही करते हैं, बिजली पानी फ्री करके। एक तरफ तो बिजली पानी फ्री कर रहे हैं, दूसरी तरफ दुकानदारों से या जिनके बिजनेसमैन हैं उनके 18-18 रुपये यूनिट बिजली आ रही है। अब ये बताइए ना कि हमारे को एक तरफ गर्दन काट के दूसरी तरफ लुटा रहे हैं। यदि ये फ्री देना चाहते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपने फंड में से दो, ये क्या मतलब है? गवर्नमेंट का पैसा तुम लुटा रहे हो? लुटाने के देश के भले में लगाओ, काम में लगाओ, तरक्की में लगाओ, दिल्ली को खूबसूरत बनाओ। आज बताइए कौन सा गैस प्लांट लग गया जो उन्होंने कहा हमने ऑक्सीजन का प्लांट है, ये है वो है, कहाँ लगा है वो दिखाएं हमें। केजरीवाल जी यदि दिखा सकते हैं तो दिखा दें। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं गुजरात के विधानसभा चुनाव हो या दिल्ली में MCD, केजरीवाल की जान को खतरा है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी की हत्या नहीं करना चाहता। ये कहने के लिए मैं कह दूं जी मेरे को यहाँ के लोगों से खतरा है कि मतलब लोगों की एक संपत्ति जीतने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। सर दिल्ली की जनता क्या कहेगी, जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो जनता चाह रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो काम कर रही है जो 70 सालों में किसी पार्टी ने नहीं किया। अब आप देखिए मिंटो रोड का एरिया है ये, आप जहाँ खड़े हैं यहाँ बीजेपी का ऑफिस तो है, आम आदमी पार्टी का ऑफिस नहीं है, कांग्रेस का ऑफिस नहीं है। ये क्या मतलब करेंगे? आप देखिए क्या हालत है। ये केजरीवाल जी के सामने आप देखिए पीछे वो जो खुदाई हुई है वो तो दिल्ली सरकार का है। आप उसकी हालात देखिए पीछे की तरफ, क्या हालात है वहाँ पर। ये नाले तक तो साफ नहीं हो रहे उनसे, जो इनके अंडर में है, जो केजरीवाल जी के दिल्ली जल बोर्ड के अंडर में है, वो काम तो हो नहीं रहा। अब कहने के लिए मैं कुछ भी कहता रहा कि मैं ये ताजमहल बनवा दूंगा मुमताज महल के लिए, लेकिन ताजमहल बन की फाउंडेशन तो दिखा दो, ठीक है नहीं ये। सर क्या नाम है आपका? मेरा सुरेश गुप्ता जी। तो ये बताइए सर, इस बार दिल्ली का क्या मूड है, कौन आ रहा है MCD में? बीजेपी पहले भी थी और अब भी बीजेपी ही आएगी। पार्टी कह रही है कूड़ा ज्यादा बढ़ा दिया है, कूड़े की दिल्ली बना दिया है बीजेपी ने, जनता का विश्वास आम आदमी पार्टी के साथ है। कोई जनता का विश्वास नहीं है। शराब एक के साथ एक फ्री करने से सबसे ज़्यादा यही इफेक्ट हुआ है कि वो केजरीवाल के खिलाफ है। आम पब्लिक, आम सबसे ज़्यादा महिला है केजरीवाल के खिलाफ है, जो उन्होंने शराब के साथ एक फ्री बांटी थी उसके लिए। दूसरा इन्होंने जो 45-47 हज़ार रुपया मौलवी को दिया ना, वो हमारे पास किसी भी ग्रंथी और उसको नहीं दिया पुजारी को, वो सबसे बड़ा मुद्दा लेके हम चल रहे हैं
कि हमारे पुजारी और हमारे ग्रंथी सरदार उनको भी ये पैसा मिलना चाहिए। आप अगर मौलवी को जी को देते हैं तो हमारे इनको भी तो दो। ये मुद्दा लेके हम चल रहे हैं दोस्तों। तो यही मुद्दा एक इस बार एमसीडी में रहेगा और यही बड़ा कारण है कि आपने कहा कि बीजेपी आई। बीजेपी तो पहले काम भी करती है, 15 साल से काम किया, लोगों को दिख रहा है काम। आज भी जो तनख्वाह है, कोरोना हुआ है उसमें कोरोना भी में भी हमने लोगों को तनख्वाह दी। ये तो पैसे लेके बैठ गया, रेवेन्यू कमा के बैठा हुआ है, हमें पैसे ने फिर दिए, हमारे मोदी सरकार ने दिया उनको पैसा। सर, एमसीडी के साथ साथ तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई वादा नहीं किया गया है, पर गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि गुजरात के प्रति परिवार को 30,000 रुपये का फायदा होगा अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है। अरे वो यहाँ भी वादे करके गया था, पंजाब में किए, पंजाब में हत्या करनी होनी चालू होगी, शराब का माफिया वहाँ खुल गया, यही गुजरात में करना चाहता है वो। पर गुजरात की पब्लिक बड़ी सहनी है, बड़ी अच्छी है, वो इन चीज़ों को नहीं मानती और केजरीवाल को भगा देगी, और मेरे ख्याल उसके सारी जमानतें होंगी जब्त हो जाएंगी। तो इस बार एमसीडी में क्यों, इसीलिए बीजेपी आ रही है? बीजेपी तो काम करके आती है, मोदी जी का काम है, मोदी जी का काम देखा ना, मोदी जी ने कहीं भी आप अपने आप को कमज़ोर नहीं होने दिया, अपने देश को कमज़ोर नहीं होने दिया। कोरोना इतना हुआ तब भी कमज़ोर नहीं हुआ, बाकी देशों में आज भी देखो, श्रीलंका में देखो, पाकिस्तान में देखो, आज भी देखो उनकी महंगाई हो रही है, दिल्ली में कहीं नहीं महंगाई का मुद्दा। महंगाई को लेकर तमाम चीज़ों को लेकर कुछ यूथ भी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हार्दिक नागरानी। हार्दिक, मुझे ये बताओ, आप यूथ है, इस बार दिल्ली एमसीडी में कौन आ रहा है इस बार? मैम बीजेपी। बीजेपी क्यों आ रही है? मैम क्योंकि बीजेपी ज़्यादा अच्छा काम करती है, इसलिए आ रही है। लोगों को देखेगा बीजेपी ज़्यादा अच्छा काम करिए, लोग बीजेपी को और सपोर्ट करेंगे। पार्टी कह रही है हमारी राज्य में सरकार है, अगर एमसीडी में भी आएंगे तो दिल्ली में ज़्यादा दुगना काम होगा। झूठ कह रहे हैं? हाँ, वो नहीं करते काम। मैम आप दिल्ली की हालत देख लीजिए, पिछले 5 सालों से दिल्ली की हालत में क्या बहुत इंप्रूवमेंट आई है ना, क्राइम बहुत ज़्यादा कम हुआ है। उन्होंने बस फेक प्रॉमिसेस करें, उन्होंने स्टिमुलस के प्रॉमिसेस करें, वो लोगों को सब्सिडीज देना चाहते हैं, वो लोगों को फ्री में चीज़ें देना चाहते हैं। जो मेन प्रॉब्लम है, जो जॉब्स क्रिएट करके सॉल्व होगी, उन्होंने उस रिलेशन में तो कोई काम करा ही नहीं है। तो अगर आप दिल्ली में, वो कहते हैं कि हम 10 लाख जॉब देंगे। हाँ मैम, उन्होंने कहा ही है बस कि वो जॉब देंगे, उन्होंने जॉब क्रिएट करने के लिए क्या किया है, उन्होंने वैसा कुछ करा ही नहीं है। आप नेशनल लेवल पर देखिए, नेशनल लेवल पर बीजेपी ने जॉब्स क्रिएट ज़रूर करी है। गुजरात में आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो युवा हैं जिन्हें नौकरी नहीं दी जा रही, हम उन्हें 3,000 रुपये भत्ता देंगे। दिल्ली के युवाओं के लिए इस तरीके की भत्ते या फिर स्कीम्स क्यों नहीं निकाल रही दिल्ली सरकार? मैम ये बस लोगों को शांत करने के लिए, उनको पैसिफाई करने के लिए स्कीम्स होती है कि आपने उनको पैसे दे दिए, अब लोग चुप बैठ जाएंगे। ये जो स्कीम्स होती हैं, जो मेन उनकी प्रॉब्लम है, वो तो उनको जॉब्स क्रिएट करके ही सॉल्व होगी। जो इकॉनमी कहीं की भी बूस्ट होगी, जहाँ पे लोग काम करेंगे, जहाँ पे जितना ट्रेड होगा, वो जॉब से ही सॉल्व होगी। तो ये जो स्टिमुलस देने वाली बात है, बस लोगों का दिल खुश करने वाली बात है, इससे कोई इशू सॉल्व। यूथ, जो दिल्ली का यूथ है, वो क्या कहेगा इस पूरे मामले कि जॉब्स की ज़्यादा ज़रूरत है इन सब स्टिमुलस से, और जॉब्स बीजेपी देगी? तो कह रहा है फ्री बिजली, फ्री पानी तो हमारी सरकार दे रही है। मैम वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सब सिर्फ स्टिमुलस देने वाली बात है, ये स्टिमुलस देके कोई मेन इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे। इनसे आप बस लोगों को खुश कर सकते हैं कि हम आपको फ्री बिजली दे रहे हैं, हम आपको फ्री पानी दे रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी एमसीडी में आ रही है, क्यों आनी चाहिए एमसीडी में? मैम वही तो मैंने अभी रीजंस बताए, जैसे आम आदमी पार्टी सिर्फ स्टिमुलस की प्रॉमिसेस कर रही है, और बीजेपी जो है वो जॉब्स क्रिएट करने के बारे में बात कर रही है, जो मेन के लिए जॉब मुद्दा है। हाँ जॉब मुद्दा है। यस मैम, यही बड़ा कारण है जिसके साथ बीजेपी। यस, आम आदमी पार्टी के कूड़ा का ढेर बना दिया है दिल्ली को बीजेपी ने। नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आम आदमी ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि बीजेपी ने जो है दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया। एमसीडी की जो वैन्स है, एमसीडी की वैन्स रेगुलरली आती हैं, जो कूड़ा कलेक्शन की होती है, कूड़ा कलेक्शन रेगुलरली होती है। अगर आप डेली की सैनिटेशन की चीज़ें देखेंगे, जब से कांग्रेस थी उसके बाद से जब से बीजेपी आई है, वो सारी की सारी चीज़ें इंप्रूव ही हुई हैं। तो जब किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको क्यों हटाना चाहेंगे? इन्होंने तो अपने किरण बता दिए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अजय शर्मा। आप मुझे बताइए, इस बार दिल्ली एमसीडी में कौन आ रहा है? इधर आ जाइए सर। इस बार तो मैम बीजेपी का ज़्यादा है। बीजेपी क्यों आनी चाहिए? मैम बीजेपी इसलिए आनी चाहिए क्योंकि बीजेपी जॉब्स क्रिएट कर रही है यूथ के लिए, एंड मैम जो मेन चक्कर है कि केजरीवाल जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। वो बताते हैं कि हमने ये किया, हमने कॉलेजेस बना दिए हैं, ये बना दिए हैं। आज तक कोई कॉलेज उन्होंने दिल्ली में आज तक कोई भी एक मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, वो कहते रहे कि हम ये करेंगे। बीजेपी ने तो ऐसा है, जो बच्चे मेडिकल में भी जो आते हैं, गरीब हैं, बट वो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, उनके लिए बीजेपी ने हिंदी में निकाल दिया सारा सिलेबस। तो बहुत बड़ी चीज़ है बच्चों के लिए भी। तो ऐसा कोई भी काम केजरीवाल ने नहीं करा, बस केजरीवाल ने ऐसा ही है कि अपनी इनकम क्रिएट करी है हर जगह से, और अपने मेन अभी उनकी मंत्री की एक वीडियो भी रिलीज़ हो गई थी जो तिहाड़ जेल में पैर दबवा रहा था। हाँ जी, सत्येंद्र जैन। तो मैम ऐसा ही है, ये सब घोटाले कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, पर सामने हर कोई वाइट बना हुआ है, पीछे से हर कोई ब्लैक है। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं बीजेपी हत्या कराना चाहती है केजरीवाल की। ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, ये सब कहने की बात है, ऐसे कौन किसकी हत्या करा देगा, आप खुद बताओ। पुराने
कई बार ऐसे कई सालों से उनके कहने से क्या होता है, ऐसे तो कोई बोलता मोदी जी की हत्या कर देंगे पर कर कौन देगा, किसी के ऐसा कुछ बस की नहीं और किसी के कहने से कुछ नहीं होता। बाकी हर कोई हमारा तो पूरा सपोर्ट बीजेपी के साथ। एमसीडी या फिर विधानसभा चुनाव को लेकर जान का खतरा या फिर हमेशा ये कहना कि एक एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा, कितना प्रभाव पड़ेगा इन चीज़ों? इस पे कुछ भी नहीं पड़ेगा मैम, कुछ भी नहीं है, सब उनकी बातें हैं, ये सब इमेजिनरी थॉट्स हैं उनके, इससे कुछ भी नहीं होगा। मेन बीजेपी ही आएगी और मैं आपको बता रहा हूँ हमारे एरिया से तो मेन बीजेपी ही आएगी और एमसीडी में बीजेपी आएगी। और कौन सा एरिया है? दिल्ली गेट 77 वार्ड, तो यहाँ से बीजेपी ही आएगी। कोई भी दूर से दूर तक दूरबीन से भी कोई और पार्टी नहीं दिखेगी। दूरबीन से क्या नाम है? डॉक्टर आयुष्मान सिंह। आयुष्मान जी ये बताइए, इस बार एमसीडी चुनावों को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं, कौन सी पार्टी जो है वो एमसीडी चुनावों में आ रही है? मेरे हिसाब से तो बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों आ रही है? बीजेपी का इसलिए आना भी है, कहीं ना कहीं हॉस्पिटलों की हालत कोविड के बाद बड़ी इम्प्रूव करी है। कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा दिल्ली सरकार के अंदर जो हॉस्पिटल थे उनमें हालत बहुत बुरी थी और उस टाइम कोई ऐसा इनिशिएटिव भी नहीं लिया गया था कि बहुत ज़्यादा बड़ा इनिशिएटिव हो कि लोग पेशेंट जो भी थे वो ठीक हो रहे हो। तो मेरे हिसाब से इस बार एमसीडी सरकार में आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया है 15 सालों में? नहीं, बीजेपी ने 15 सालों में किया है, क्यों नहीं किया है? आप देख रहे देश के इतने बड़े बड़े फैसले, 370 से लेके आप जीएसटी स्लैब से लेके एक एक फैसला आप देखिए, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेके जो आने वाला है, तो उनके फैसले काफ़ी मजबूत रहे देश के लिए और काफ़ी फायदेमंद रहा उनका फैसला देश के लिए और बीजेपी का काम है देश मजबूत हुआ है। पार्टी का कहना है कि अगर हम एमसीडी में आए तो दुगना काम किया जाएगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, बीजेपी का आना ज़रूरी है क्योंकि केंद्र, पहली बात तो ये, अब दिल्ली में ये ना, ये जो दावे वाला है ना, ये बड़ा फ्री चीज़ बड़ी ख़राब है, इसके ऊपर देश पे बर्डन आ रहा है धीरे धीरे। आप खुद देखिए 30,000 या बिजली का बिल माफ़ करना, आप कम करवाइए, आप माफ़ नहीं कर सकते किसी का। तो मेरे हिसाब से बीजेपी जीतेगी और बीजेपी को आना भी चाहिए इस बार अच्छे से। चलिए, कुछ और लोग भी मौजूद हैं, चाय की दुकान है, कुछ और भी लोगों से बात करेंगे यहाँ पर मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? सुनील। ये बताइए भैया, इस बार दिल्ली एमसीडी में कौन सी पार्टी आ रही है, क्या चाहते हैं आप, कौन आना चाहिए? केजरीवाल। केजरीवाल क्यों आ रहे चाहिए? केजरीवाल सुख शांति है, अगर बीजेपी आ गई है पटरी साफ हो जाएगी, हम रह नहीं सकते यहाँ, क्या फायदा? ये बीजेपी तो पहले से ही है एमसीडी में 15 सालों से, अब केजरीवाल आना चाहिए। चलिए, उन्होंने कहा पहले से बीजेपी है और अब केजरीवाल जी आने चाहिए। क्या नाम है सर आपका? नागेश्वर। आप मुझे बताइए इस बार दिल्ली एमसीडी में कौन आना चाहिए? जी सोच में पड़ गए, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और? बीजेपी आएंगे। बीजेपी आएगी? बीजेपी क्यों आनी चाहिए? वो सही काम कर रहे हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं हम चमकाएंगे दिल्ली। नहीं, वो क्या चमकाएंगे, मोदी सरकार चमकाएंगे तो उससे क्या। चलिए, इन्होंने कहा बीजेपी सरकार चमकाएगी। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी बहुत राय लेंगे हम। भैया क्या नाम है आपका? करण कुमार। ये बताइए इस बार कौन आ रहा है दिल्ली एमसीडी? बीजेपी आनी चाहिए बस। बीजेपी क्यों आनी चाहिए? बस शुरुआत से बीजेपी है तो बीच में से क्यों जाएगी बीजेपी? शुरुआत से बीजेपी है 15 साल से, तो अब क्यों जाएगी बीजेपी? अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं 15 साल में बीजेपी ने कुछ समस्या बाहर है। अरविंद केजरीवाल क्यों भैया, क्यों समस्या बाहर है? हमारे दिमाग दिल के अंदर बात है, जिन्हें देंगे वो वोट देंगे, हमें ना पैसा चाहिए ना हमें वोट देना, बीजेपी। अच्छा, दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार है तो कोई काम पसंद नहीं आया क्या? ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम, बस बीजेपी होनी चाहिए हमारी, बस बस। सिर्फ बीजेपी का ही नाम लिया और कहा है कि बीजेपी होनी चाहिए। तो देखिए, ये थी तमाम दिल्ली की जनता जिनसे हमने एमसीडी चुनावों को लेकर बात की है, जहां अगर अलग अलग पार्टियों को लेकर रुझान सभी ने पेश किए हैं और बताया भी है कि आखिरकार क्यों जो है बीजेपी आनी चाहिए, और आम आदमी पार्टी को लेकर भी जिक्र किया गया है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।